अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती नए झारखंड की नई नारी ने सखी मंडलों के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की जो शुरुआत की, उसके उत्साहजनक परिणाम आज हमारे सामने हैं। झारखंड में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पलाश झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के निरंतर प्रयासों से आज राज्य की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का परचम लहरा रही हैं। जैसलमेर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना कि जिसमें मैं सारा चीज का ट्रेनिंग लेते लेते आज यहाँ तक सफर करते पहुँच गई हूँ कि आज मैं एक प्रोड्यूसर कंपनी का चेयरपर्सन हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पहले हम घर में ही रहते थे, कुछ नहीं, जो पति कमाते थे उसी से पूरा घर चलता था। अब हम ही कमा रहे तो उसको मदद भी मिल जा रहा है, पूरा खर्चा भी हो के बच भी जा रहा है और हमारे बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। जब से हम समूह में जुड़े हैं उसके बाद से, फिर समूह में जुड़ने के बाद से, फिर समूह क्या होता है, फिर CLF क्या होता है, BLF क्या होता है, इसके बारे में हमको जानकारी मिला। फिर मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खूंटी ब्रांच में मेरा बैंक सखी के रूप में हम चयनित हो गए। हम फाइनेंशियल लिटरेसी का मास्टर ट्रेनर हैं, जो कि हम डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हम जाते हैं और दीदी लोग का हेल्प करते हुए हमको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। प्लस ये भी होता है कि मतलब एक आदर मिलता है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में JSLPS के मार्गदर्शन में स्थापित स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को जागरूक कर उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का जो रास्ता तैयार किया है, उस पर चलकर ये ग्रामीण महिलाएं आज सफलता की बुलंदियों को छू रही हैं। मैं साधारण खेती करती ही थी, लेकिन 2020-21 में हमको स्ट्रॉबेरी भी खेती करने का मौका मिला। जो स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहे हैं, तब से मेरा रहन सहन में भी बदलाव आ गया है। मेरे बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी हूँ। हम एक स्कूटी भी खरीद ले। जब से हम लोग महिला समिति में जुड़े हैं और महिला समूह की तरफ से हमको ड्रिप मिला है, ड्रिप से ही सिंचाई करते हैं तो पानी का बचत हो रहा है। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, गोबर को घोल बना देते हैं, उसके बाद उसमें पत्ता डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें केचुआ डालते हैं। जब खाद तैयार होता है, एक महीना में 2-3 पैकेट हम बेचते हैं और सालाना का हमको खेती से 1.5 से 2.5 लाख का इनकम होता है। कभी कमजोर या अबला कही जाने वाली इन ग्रामीण महिलाओं ने समूह की शक्ति को अपना सबसे सशक्त माध्यम बनाया और ग्रामीण परिवारों को उत्पादक समूहों और कंपनियों से जोड़कर उन्नत खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई, लघु वनोपज जैसी पहल द्वारा उनकी आय में गुणात्मक बढ़ोतरी करने के असंभव से लगने वाले काम को संभव कर दिखाया। समूह से 18,000 लिए तो उसी में मेरा हम लाख का खेती शुरुआत किए और लाख का खेती हम शुरुआत किए तो वही लाख से मेरा होता है सर, साल भर का जो भी होता है 1 लाख मेरा पहुंच जाता है। 2016 में हम जैसे LPS के माध्यम से हम छोटा छोटा ऋण लेके हम अपना बिजनेस शुरू किए। उसके बाद हमको कुछ आमदनी आने लगा। अभी हम बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना परिवार को देख रेख कर रहे हैं। समूह से ऋण लिए, ऋण लेके मैं दुकान भी अभी खोली हूँ, फिर पशु भी खरीदी हूँ और समूह से ही मैं बदलाव दीदी चुनी हूँ और मैं भी बदली और मेरी दीदी लोग को भी अभी बदल रही हूँ। सामाजिक भेदभाव और पारिवारिक मजबूरियों को पीछे छोड़कर कमजोर वर्गों की महिलाएं भी इन स्वयं सहायता समूहों की धारा से जुड़कर सशक्त बन रही हैं। फूलझानों के बारे में सुनी और मैं ली 50,000 लोन और उसी से श्रृंगार दुकान और कपड़ा दुकान खोली हूँ और एक सिलाई मशीन भी साथ में है, उससे मैं खुद से सिलाई करके देती हूँ और अभी मैं पहले से बहुत खुश हूँ और अभी मेरा परिवार अच्छा से चल रहा है। एक जंगल से निकल करके मैं दिल्ली के नोएडा हाट तक पहुंच गई हूं और उन दीदियों की कहानी लिखती हूं जो दीदी अपनी स्थिति में जूझ रही थी, लड़ रही थी। उनके अंदर तो बहुत सारे कलाएं थी लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी, लेकिन आज हमारी दीदियां
जो सफलता में आ चुकी हैं उनकी सफलता की कहानी को मैं बनाती हूँ, लिखती हूँ और हमारे जैसलपीएस की दीदियों तक पहुँचाती हूँ। अभी हम जैसलपीएस के दीदी हेल्पलाइन में कार्यरत है। कॉल के माध्यम से लोगों तक बहुत सारी जानकारी दिया और उनके जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण हम करते हैं। सशक्त नारी समृद्ध झारखंड के लक्ष्य को हासिल करने में पलाश झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के प्रयासों और झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के मजबूत इरादों से आ रहे सामाजिक और आर्थिक बदलाव वास्तव में एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं।